हेलो एवरी वन वेलकम टू सीपी का सोशल साइंस क्लासेज सो स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर डिस्कस अबाउट द आइडियाज़ ऑफ रॉबर्ट ऑन एंड लॉयस प्लैंक एंड आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेंड्रिक एंगल्स इन ठीक है तो आज के इस लेक्चर में हम आइडियाज़ पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट सोशलिस्ट के जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया था अब यूरोप में सोशलिज्म आ गया है ऐसे तो नहीं है कि अपने आप जनरेट हुआ हो कुछ फाउंडर्स रहे होंगे उसके जिन्होंने सोशलिज्म के आइडिया को जनरेट किया अपनी अपनी फिलॉसफ़ी से अपनी अपने अपने माइंड सेट से उन्होंने सोशलिज्म को अलग अलग तरीके से इलाबरेट किया तो जिनके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि हमने फोर फोर सोशलिस्ट थे जो मेन थे उन उनके आइडियाज़ को हम लेके चलेंगे उनके आइडियाज़ को हम डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज के हम इस वीडियो लेक्चर में आइडियाज़ गिवन बाय द डिफरेंट सोशलिस्ट तो सोशलिस्ट है डिफरेंट विज़न ऑफ फ्यूचर सोशलिस्ट का अपने अपना सोचने का तरीका था फ्यूचर को लेके कि हमारी जो सोसाइटी है वो ऐसे होने चाहिए हमारी सोसाइटी में चेंजेस इस तरीके के होने चाहिए क्योंकि अब अलग अलग पीपल हैं तो अलग अलग तरीके से सोचेंगे तो हम इस सोशलिज्म को एक एक डेफिनेशन में बाउंड नहीं कर सकते डिफरेंट सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग सोशलिज्म के डेफिनेट को डेफिनेशन को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया गया है तो सब बिलीव इन द आइडियाज़ ऑफ कॉपरेटिव अब कुछ जो सोशलिस्ट थे वो किसके आइडियाज़ में बिलीव करते थे कॉपरेटिव के अब नाम से देखो कॉपरेटिव का मतलब क्या है कॉपरेशन यू पीपल हैव टू डू वर्क विथ कॉपरेशन आप लोगों को काम करना है कॉपरेशन से तो यही एक सोशलिज्म का एक आइडिया था कि हमने कॉपरेशन कौप, से काम करना है तो एसोसिएशन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर मतलब ऐसी एसोसिएशन ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है विच हु दोज आर वर्किंग टुगेदर जो इकट्ठे काम कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको उसके जो उससे जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क मतलब जो पर्सन जितना काम कर रहा है ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा कम काम कर रहा है तो उसको कम प्रॉफिट मिलेगा तो अकॉर्डिंग टू देयर वर्क दे हैव टू गेट द प्रॉफिट विच दे हैव मेड बाय वर्किंग जो उन्होंने वर्क करके अर्न किया है प्रॉफिट उसको हम क्या कर देंगे इक्वली डिवाइड कर देंगे उनके वर्क के अकॉर्डिंग तो इसको बोलते हैं कॉपरेटिव ठीक है आई होप आपको क्लियर हो गया कि कॉपरेटिव्स क्या होते हैं अब इस आइडिया को हम आगे पढ़ेंगे अपने रॉबर्ट ऑन लॉयस ब्लैंक अलग अलग सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग अब रॉबर्ट ऑन था जिनका टाइम पीरियड था 1771 से लेकर 1858 तक अब रॉबर्ट ऑन क्या करते हैं ही डिमांडेड टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कॉम्युनिटी वो एक ऐसी कॉम्युनिटी बनाना चाहते हैं कार्ल न्यू हारमोनी इन इंडेना यू ये जो पर्सन थे रॉबर्ट ऑन ये इंग्लैंड में ही ब्रॉन और बॉटअप हुए थे वहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ वग़ैरह इस्टेब्लिश की वहाँ पर इन्होंने अपना काम इस्टेब्लिश किया उसके बाद इन्होंने जो भी प्रॉफिट वगैरह जनरेट किया इसके बाद ये काम हो गए यू में फिर इन्होंने यू में भी इनका एक मन था कि मैं यू में भी एक ऐसी इंडस्ट्री इस्टैब्लिश करूँ एक ऐसी फैक्ट्री इस्टैब्लिश करूँ जो कॉपरेटिव बेसिस पर काम करे मीन्स जहाँ पर किसी को बड़ा छोटा ना समझा जाए जहाँ पर लोगों को कॉप्रेशन से वर्क करना आए और जहाँ पर लोग लिखा हुआ ना थ्रू कलेक्टिव कौ, कौ, इंडिविजुअल इनिशिएटिव जहाँ पर सब काम करेंगे ठीक है कलेक्टिव होकर और कलेक्टिव होकर काम तो करेंगे और जो उनका प्रॉफिट होगा वो भी उनके काम के अकॉर्डिंग उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रोबिट ऑन इस चीज़ में बिलीव करते थे कि कॉपरेशन होना चाहिए पर कॉपरेशन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर हर पर्सन काम कर रहा है मिलजुल कर काम कर रहा है पर अपने अपने काम के अकॉर्डिंग वो वहाँ से प्रॉफिट भी अर्न कर रहा है इन द सेम वे अब लॉयस ब्लैंक है उनके थोड़े से आइडिया एनहेंस हो गए उनका टाइम पीरियड था एटीन थर्टीन से लेकर एटीन एटी टू तक ही वॉन्टेड गवर्नमेंट शुड एनक्रेज कॉपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज अब लॉयस ब्लैंक ने किसको ऐड कर लिया बीच में गवर्नमेंट को कॉपरेटिव तो होने चाहिए बट उन्होंने इसमें किसको एड कर लिया गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए गवर्नमेंट इनिशिएट लें जिससे वो को करे और जो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज है कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है द मनी इज़ इन द फ्यू इन हैंड्स ऑफ फ्यू जहाँ पर पैसा कुछ लोगों के हाथ में ही हो जाता है वही मनी जनरेट करते रहते हैं और प्रॉफिट भी सारा अपने हाथ में रखते हैं जिसमें इक्वली डिवाइड नहीं किया जाता उनका मेन मोटिव होता है कि लोगों से काम कराना पर प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड ना करना प्रॉफिट को अपने पास ही रखना तो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को चेंज करना था कोऑपरेटिवस को एनकरेज करना था और उसमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की बट रॉबर्ट ऑन ने यहाँ पर गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं किया उन्होंने सिर्फ इंडिविजुअल इनिशिएटिव बोला कि इंडिविजुअल मिलकर काम करेंगे इनिशिएट करेंगे मिलकर और अपने आप प्रॉफिट डिवाइड कर लेंगे पर इन्होंने यहाँ पर किसको इंक्लूड किया गवर्नमेंट को एक स्टेप आगे हो गया ये गवर्नमेंट शुड बी देयर टू फैसिलिट्स कॉपरेटिव तो यहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया है ताकि वो कॉपरेटिव के जो थीम है या कॉपरेटिव जो एसोसिएशन ऑफ पीपल है जिसमें हमने बोला है कि जो वर्क इकट्ठे करते हैं प्रॉफिट जो कमाते हैं उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें किसका रोल हो जाएगा गवर्नमेंट का तो ये रॉबर्ट ऑन और लॉयस ब्लैंक के आइडियाज़ में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि दोनों कोऑपरेटिव में बिलीव तो करते हैं बट वो इंडिविजुअली इनिशिएटिव में बिलीव करते हैं और वो यहाँ पर गवर्नमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स जिन्होंने सोशलिज्म के आइडिया में कुछ ना कुछ ऐड किया क्योंकि सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है इसमें न्यू सोशलिस्ट कुछ ना कुछ एडअप करते चले गए कार्ल मार्क्स और फेडरिक एंगल्स ने भी कुछ ऐड किया है वो ऐसा ऐड करते हैं कि उससे रेवोल्यूशन ही आ जाता है तो कौन सा रेवोल्यूशन आ जाता है रशियन रेवोल्यूशन तो रशियन रेवोल्यूशन के फाउंडेशन मतलब कौन थे फाउंडेशन करने वाले थे कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स ने प्रमिनेंट रोल प्ले किया था सोशलिज्म को एस्टैब्लिश करने में और रशिया रेवोल्यूशन में इनका जो रशियन रेवोल्यूशन है उसमें इनका प्रोमिनंट रोल है कार्ल मार्क्स का तो कार्ल मार्क्स और फेंडरिक एंगल्स का क्या रिलेशनशिप है थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको कि कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी में बॉर्न बॉन्न और बॉटअप हुए थे उसके बाद वो इंग्लैंड में आ गए इंग्लैंड में आने के बाद उन्होंने लिखना स्टार्ट किया लिखना स्टार्ट करने से वहाँ पर उनको फेडरिक एंगल्स मिल गए दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों की ऐसी दोस्ती हो गई जिन्होंने सोशलिज्म के बारे में ऐसा अडॉप्ट किया कि उससे रेवोल्यूशन ही क्रिएट हो गया तो अब डिस्कस करेंगे हम आइडियोलॉजिस्ट किसकी कार्ल मार्क्स और फेडरिक एंगल्स की दे एडिड सम मोर आर्ग्यूमेंट्स इन द आइडिया ऑफ सोशलिज्म अब इन दोनों ने मिलकर जो रॉबर्ट ओवन के आइडियाज़ थे या लॉयस ब्लैंक के आइडियाज़ थे उनके आइडियाज़ में इन्होंने और एडप्ट कर दिया तो सोसाइ ये मानते थे जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या है कि इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होगी इंडस्ट्री ऑनर्स के हाथ में पूरी पार होती थी उनकी फैक्ट्रीज़ होती थी और वो लोगों से काम कराते थे और सारा प्रॉफिट किन के पास जाता था इंडस्ट्रीस्ट के पास जाता था वर्कर्स के पास नहीं जाता था तो इसको इसको वो बोलते थे कैपिटलिस्ट और कैपिटलिस्ट सोसाइटी मानते थे और कैपिटलिस्ट होते कौन थे कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज सारी कैपिटल उनकी होती थी एंड द प्रॉफिट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स अब कैपिटलिस्ट ने क्या किया एक फैक्ट्रीज़ एस्टैब्लिश कर दी अब वो सारा का सारा काम फैक्ट्री का खुद तो करेंगे नहीं उसके लिए वो क्या अपॉइंट करेंगे वर्कर्स अपॉइंट करेंगे अब वर्कर्स क्या करते हैं वो प्रोडक्शन करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तो जो आउटपुट निकल के आएगा वो किसके किस कि, कि, मतलब किसने बनाया उसको किसका प्रोमिनेंट रोल है उसको बनाने में वर्कर्स का बट वर्कर्स ही प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं बट द प्रॉफिट गोज इन देंड ऑफ ऑनर पर सारा का प्रॉफिट जो सारा का सारा प्रॉफिट है वो किसके हैंड में जाता था वो ऑनर के हैंड में जाता था क्योंकि ऑनर ने पैसा लगाया उन्होंने सिर्फ वर्कर्स को अपॉइंट किया वर्कर का कोई भी शेयर नहीं है प्रॉफिट में सारा का सारा प्रॉफिट किसके हैंड में जा रहा है ऑनर के हाथ में जा रहा है एंड द सेम एंड द कंडीशन ऑफ वर्कर्स वुड रिमेन सेम उनकी कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है चाहे सारा का सारा प्रॉफिट जनरेट करने वाले वर्कर्स ही हैं अगर वर्कर्स ना हो तो प्रोडक्शन प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा कभी भी कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट नहीं होगा बट फिर भी वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे वो ये वो ये करते थे कि सारा काम वर्कर्स से कराने के बाद उनको एक्सप्लॉयट करने के बाद सारा का सारा प्रॉफिट वो अपने हैंड में रखते थे जिसमें वर्कर्स के हैंड में कोई भी प्रॉफिट नहीं जाता था अगर हम आज की सोसाइटी की बात करें आज की सोसाइटी में अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी माना भी जाए पर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बोनस के रूप में या किसी न किसी रूप में वर्कर्स को दिया जाता है पर पहले के टाइम में ऐसा नहीं था अगर कैपिटल सोसाइटी थी तो सारा का सारा प्रॉफिट सिर्फ ओनर के हाथ में जाता था वर्कर्स के हाथ में कोई भी प्रॉफिट नहीं जाता था तो इसका मेन मोटिव क्या था मेन मोटिव वॉज द पर्सनल गेन नोट द वेलफेयर ऑफ पीपल पीपल मिस वर्कर्स कि यहाँ पर जो मेन मोटिव है उनका क्या होता था पर्सनल गेन सिर्फ अपना प्रॉफिट सोचना जो काम कर रहे हैं वो जैसे किस कंडीशन में हैं कैसे काम कर रहे हैं और अगर वो ज़्यादा मेहनत करते हैं ज़्यादा प्रॉफ़िट जनरेट करते हैं तो उसमें उनका कोई भी हिस्सा नहीं होता था तो मार्क्स ये बिलीव करते थे कि टू फ्री दैम सेल्फ यहाँ पर मार्क्स और फेडरिक एंगल्स दोनों की आइडियोलॉजीज़ को मैं इकट्ठा इन्वॉल्व करके बता रही हूँ मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री दैम सेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लोटेशन अब मार्क्स ये बिलीव कर बिलीव करते थे कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लोटेशन से वर्कर्स को खुद को फ्री करना पड़ेगा यहाँ पर आएगा मार्क्स बिलीव दैट वर्कर्स हैड टू यहाँ पर ऐड कर लेना आप वर्कर्स हैड टू फ्री themselves. कि वर्कर्स को यहाँ पर क्या होना है खुद फ्री होना है डैम सेल्फ फ्री होना है कैपिटलिस्ट एक्सप्लेटेशन से यहाँ पर आएगा वर्कर्स हैड टू फ्री डैम सेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लेटेशन कि वर्कर्स को खुद अपने आप को आजाद कराना है किससे आज़ाद कराना है कैपिटलिस्ट से आज़ाद कराना है और उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है वो अगर खुद चाहेंगे तो वो खुद अपने आप को आजाद कैसे करा सकते हैं कि कैपिटलिस्ट को वहाँ से हटाएं सारी प्रॉपर्टी पर ख़ुद कब्जा कर लें और एक बार जब प्रॉपर्टी वर्कर्स के हाथ में आ जाएगी तो उनको वहाँ से कोई भी हटा नहीं पाएगा तो अगर वो ऐसा करेंगे तो वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी एक सोशलिस्ट सोसाइटी बन जाएगी अगर सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वर्कर्स के हाथ में आ जाती है तो फेडरिक एंगल्स भी बोलते थे कि वर्कर्स हैड टू ओवर थ्रो कैपिटलिज़म उनको यहाँ से इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा कैपिटलिज्म को और रूल ऑफ और और रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी सोशली और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होगी वो लोगों में सोशली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो मतलब ये नहीं है कि एक पर्सन के आपने हाथ में प्रॉपर्टी दे दी है क्योंकि रॉबर्ट ऑन भी ये बोलते थे कि कॉपरेटिव कम्युनिटी होनी चाहिए जिसमें सब लोग कॉपरेशन से काम करें इंडिविजुअल इनिशिएट लें और जो प्रॉफिट हो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो लॉइस ब्लैंक ने क्या किया गवर्नमेंट को एड ऑन कर लिया वो भी कॉपरेटिव में बिलीव करते थे ऐसे कार्ल मार्क्स ने भी इसी आर्ग्यूमेंट को और आगे बढ़ाया कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा और उसको जड़ से उखाड़ के कौन फेंकेंगे वर्कर्स फेंकेंगे और उसकी बजाय वो एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाएंगे जिसमें हर रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो है धीरे धीरे कॉम्युनिस्ट सोसाइटी बन गई है कॉम्युनिस्ट सोसाइटी मतलब कॉम्युनिटी की सोसाइटी लोगों की सोसाइटी कहाँ से स्टार्ट हुई थी कैपिटलिस्ट से स्टार्ट हुई थी जहाँ पर सारी के सारी प्रॉपर्टी सारा का सारा प्रॉफिट कुछ लोगों के हाथ में होता था अब कैपिटलिस्ट से कहाँ पर जा रहे हैं हम कॉम्युनिस्ट सोसाइटी में अब कैपिटलिस्ट से कॉम्युनिस्ट सोसाइटी में जाने का सफर कौन तय करेगा सोशलिज्म अब सोशलिज्म में किसका रोल प्ले कौन रोल प्ले करेगा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट तो हमने कैपिटलिस्ट से कहाँ तक जाना है कॉम्युनिस्ट तक जाना है और उसमें किसकी आइडियोलॉजी को साथ में ले चलना है सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को ले चलना है तो आपने स्टूडेंट्स देख लिया हैं कि कि किस जो जो सोशलिस्ट थे डिफरेंट डिफरेंट सोशलिस्ट थे उन्होंने अलग अलग आइडियाज़ दिए हैं सोशलिज्म को एनहेंस करने में और उसके बाद कॉम्युनिस्ट सोसाइटी में पहुँचने के लिए अब सोशलिज्म तो आ जाएगा पर उसको सोशलिज्म को कौन सपोर्ट करेगा कैसे सोशलिज्म आगे बढ़ेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में सपोर्ट फॉर सोशलिज्म थैंक यू स्टूडेंट्स